दोस्तों आज की वीडियो में धमाकेदार टक्कर होने वाली है ट्राइबल चीफ रोमर रेस और द सुपर हीरो ऑफ सीआईडी दया के बीच। अपने फेवरेट सुपरस्टार को वोट करने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट करो रोमन रेंस अगर आपको रोमन रेस को जिताना है या दया अगर आपको दयानंद शेट्टी को जिताना है। और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप एक्यूरेट डिसीजन ले पाए कि अगर इन दोनों के बीच स्ट्रीट फाइट हुई तो कौन जीतेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेन और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते। दोस्तों बात करें रोमर रे जिनका रियल नेम लिटी जोसेफ अनाव है, इनकी एज 37 ईयर से। वही दया जिनका रियल नेम दयानंद शेट्टी है, इनकी एज 53 ईयर से। अब अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि रोमर रेस उनके करियर के शुरुआती दौर में अमेरिकन फुटबॉल में डिफेंस लाइन प्लेयर रह चुके जिसमें ताकत और टेक्निक दोनों का इस्तेमाल होता है। और अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर बहुत स्ट्रांग भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्डबर्ग। और रोमर रेस का स्पीयर भी फुटबॉल टैकल से इंस्पायर है। जब रोमन रेस फुटबॉल खेलते थे उस टाइम रोमन रेस का वेट 130 किलो था, लेकिन रेसलिंग में आने के बाद रोमन रेस ने उनका वेट लॉस करके 120 किलो कर लिया। वही दया अपने करियर के शुरुआती दौर में एक स्पोर्ट्समैन थे और दया ने उनके पीक टाइम में शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में कई सारे कॉम्पिटिशन भी जीते थे। और 1996 में दया डिस्कस थ्रो में महाराष्ट्र चैंपियन भी रह चुके। अब दया का वेट 108 किलो है, यानी रोमन रेस और दयानंद शेट्टी के वेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और दयानंद शेट्टी एक हैवीवेट क्लास से ही बिलोंग करते। और अगर रोमन रेस और दयानंद शेट्टी की फाइट हुई तब वेट इनकी फाइट में उतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगा जितनी रोमन रेस वर्सेस टाइगर श्रॉफ के मैच में बन सकता है। सो इसीलिए हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि दया रोमन रेस के सामने कमजोर अपोनेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बात करें फैमिली बैकग्राउंड की तो रोमन रेस की पूरी समोआ फैमिली रेसलिंग के लिए ही जानी जाती है। रोमन रेस के फादर सीका जो कि प्रोफेशनल रेसलर रह चुके, और योकोजोना, रिकेशी, ओमेगा, द टोंगा की, द उसोस एंड द रॉक रोमन रेस के कजन्स है, यानी ये पूरी फैमिली लड़ाकू फैमिली है। वही बात करें दया की तो दया वन मैन आर्मी है, जिनके फैमिली में कोई मार्शल आर्ट या किसी टाइप की फाइटिंग जानने वाला मेंबर नहीं है। हाँ बट उनके साथ अभिजीत है जो सीआईडी ऑफिसर है, एंड दया की तरह अभिजीत भी काफी स्ट्रांग बंदे है और वो दया को अपना भाई मानते है। इसीलिए ये बात तो कंफर्म है कि रोमन रेस वर्सेस दया की फाइट में अभिजीत दया का साथ तो जरूर देंगे। अब मेरे फाइनल ओपिनियन से पहले दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू मैट गेमर भाई। रेसलिंग टॉक हिंदी को इतना सपोर्ट दिखाने के लिए तुम्हें दिल से थैंक यू। और मेरे दूसरे व्यूअर जिन्हें वीडियो में फीचर होना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। और चलिए जानते हैं अगर रोमन रेस और दया के बीच स्ट्रीट फाइट हुई तो कौन जीतेगा। अब रोमन रेस की हाइट 6 फीट 3 इंच है और उनका वेट जैसे मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि रोमन रेस का वेट 120 किलो है और रोमन रेस के बाइसेप का साइज 19 इंच है, यानी रोमन रेस दया के सामने बहुत अट्टे कट्टे अपोनेंट होंगे। अब दया की हाइट 6 फीट 2 इंच है एंड उनका वेट 108 किलो है, यानी दया रोमन रेस के सामने उतने भी कमजोर अपोनेंट नहीं है। आप बात करें दया की पावर की तो दया लगभग हर टाइप के दरवाजे को तोड़ चुके। अब एग्जैक्ट फिगर के बारे में डेटा अवेलेबल नहीं है बट एस्टिमेटेड है कि किसी भी दरवाजे को तोड़ने के लिए 1000 से 1500 न्यूटन का फोर्स चाहिए होता है, जो किसी नॉर्मल आदमी की टांग को फ्रैक्चर करने के लिए काफी होता है। तो इससे आप दया की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो, जो इतने दरवाजे तोड़ने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत है। तो दया की अगर रोमन रेस को पड़ जाए तो रोमन रेस की कितनी हड्डियां फ्रैक्चर होंगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। अब ये वीडियो रोमन रेस या दयानंद शेट्टी को वीक बताने के लिए नहीं था, मैं दोनों का ही बहुत बड़ा फैन हूँ और दोनों इनके प्रोफेशन में मास्टर है। जहाँ रोमन रेस अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन और एक एक्टर है, वही दया एक एक्टर, स्पोर्ट्समैन और एक बेहतरीन डोर ब्रेकर है। दोनों इनकी फील्ड में औसम है, लेकिन क्वेश्चन तो वही है दोनों में से कौन है बेस्ट, रोमन रेस या दया, कमेंट करके जरूर बताना आप। सो बस आज की वीडियो तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अगर आप पहली बार रेसलिंग टॉक हिंदी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।